अंडमान निकोबार पढ़ा दिए थे हा? आज अंडमान निकोबार से आगे पढ़ाना है। अगला टॉपिक क्या है बताइए? पर्वत पढ़ाना है आज। हाँ बढ़ जाओ। पर्वत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? माउंटेन। देखिए आपको पर्वत के बारे में पढ़ाना है। मटेरियल देखें, एक आदमी मटेरियल में खोल के लाओ ना। पर्वत बताना है, टोटल कितने पर्वत है? 25। अब पर्वत के बाद कौन सा टॉपिक है? दर्रा। पर्वत के बाद दर्रा है, पकड़िए। देखिए बाबू, जम्मू कश्मीर के चार पहाड़ी याद रहेगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंज। याद हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आप सब लोग एक ब्लैंक मैप ले लीजिएगा, 10 पीस क्या ले लेना है? ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप समझते हैं? आप लोग खरीद लीजिएगा ब्लैंक मैप, 1-8 रुपए का देगा। इंडिया का ब्लैंक मैप, जैसे देखिए ये वर्ल्ड का ब्लैंक मैप है, ये वर्ल्ड का ब्लैंक मैप है ना, वैसे ही किसका ब्लैंक मैप आएगा? इंडिया का। उसे सादा नक्शा कहा जाता है, ब्लैंक मैप यानी सादा नक्शा, ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया, वो ले लेंगे आप लोग। ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया, जैसे ये ब्लैंक मैप, उसी तरह आप लोगों को क्या खरीद लेना है? ब्लैंक मैप खरीदना है। ब्लैंक मैप से फायदा क्या होगा? जो हम यहाँ बताएंगे आपको उस सादा नक्शा में क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा उसको। सादा नक्शा में भरेंगे लोग तो प्रैक्टिस क्या होगा? और अच्छा होगा। बताइए इस सादा नक्शा में अगर हम भरे तो भर सकते हैं कि नहीं आप लोग बोलिए? काराकोरम भरा जाए? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजा, ऐसे सादा नक्शा खरीद लेंगे आप लोग? 1-8 रुपये का मिलता है सादा नक्शा। हाँ खरीदे लो, वर्ल्ड का खरीदा है। हाँ ठीक है, उसको फोटोकॉपी भी करा लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं, नेट से निकाल के। पीर पंजाल कहरा कि सर चौथा नंबर क्या बोले थे? पढ़ाए तो थे पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। समझ में क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर। अगला पर्वत है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार। कौन नाम है? धौलाधार। कौन सा है? धौलाधार। कौन सा पर्वत? धौला। यहाँ से यहाँ तक शिवालिक, यहाँ से यहाँ तक शिवालिक। कौन सा पर्वत? शिवा। बोलिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर। धौलाधार और शिवालिक, धौलाधार और शिवालिक। याद हो गया? नंबरिंग बोलेंगे आप लोग, मटेरियल में नंबर लिखा होगा। काराकोरम का 1, लद्दाख 2, 3, शिवालिक कितना नंबर है? 6। ये नंबर इसलिए दिया हुआ है
क्योंकि यहाँ पर आप सादा नक्शा में जब भरिएगा तो वहाँ लिखने का जगह नहीं होता। अगर हम लिखना चालू करेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल भर जाएगा नक्शा, तो वहाँ क्या कर दिया जाता है, नंबरिंग, और वो नंबर आपके मटेरियल में लिखा सीक्वेंस में। कोई ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी ए बी सी डी लिख सकते हैं, आपको जो मन वो नंबर लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं गया? तो ये बताइए काराकोरम, ये शिवालिक कितने, शिवालिक 6 नंबर पे, शिवालिक आगे बढ़िए 7 नंबर पे, डाबला 8 नंबर, 9 नंबर पटकोई बूम, 10 नंबर, 10 नंबर नागा पर्वत, 11 नंबर मीजो पर्वत, मीजो या लुसाई। चलिए मेरी ओर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 7 नंबर में डाबला, 8 नंबर मिसमी, 9 नंबर पटकोई बूम। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा पर्वत है जो म्यांमार से सीमा बनाता है? पटकोई बूम। ये हम आपको अरुणाचल प्रदेश के फिजिकल नक्शा में घेरवा चुके हैं, नहीं समझ में आ गया, घेरवा चुके। नागालैंड में कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत। मिजोरम में मिजो पर्वत, मिजो या लुसाई, मिजो में, मिजोरम में मिजो या लुसाई। अरुणाचल मेघालय में गारो खासी जयंती है, गारो खासी जयंती, मेघालय में गारो खासी जयंती, याद हो गया? इसमें भी बता सकते हैं, बताइए ये पर्वत कौन सा होगा, कौन सा, ये कौन सा पर्वत, शिवालिक। यहां बोलिए मिसमी, पटकोई बूम, नागा, मीजो या लुसा, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जन, गारो खासी जन, याद हो गया, गारो खासी जन। बताइए तो नागा ये मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत, मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला, किस राज्य में है, मिजोरम में, किस राज्य में, मिजोरम में, किस राज्य में, मिजो, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। कश्मीर में 4 पहाड़ियां बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंज, हाँ पीरपंज। अगला नंबर कौन सा है, तेरह नंबर बोलिए, 13 नंबर आप बताइए, राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर राजमहल, कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। कितने लोग बता सकते हैं राजमहल की पहाड़ी से सटकर कौन सी नदी घूम जाती है, गंगा नदी, कौन सी नदी, और गारो पर्वत से कौन सी नदी घूम जाती है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगला बताइए, रामगढ़ पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी के बाद राजमहल कितना नंबर है, 13 नंबर, राजमहल 13। नंबरिंग से कोई खास बात नहीं है, लेकिन खाली जगह पे हम लोग नंबरिंग लिख सकते हैं, वरना नक्शा में नाम लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा। ये कौन सी पहाड़ी होगी, कौन सी पहाड़ी, अरावली। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय है, कौन सा है, हिमालय। हिमालय की कौन सी चोटी, हिमालय की माउंट एवरेस्ट। ये कौन पर्वत, अरावली। दुनिया की सबसे पुरानी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची, गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची, गुजरात में ये गीर पर्वत, गुजरात में गीर, गुजरात में गीर, इसका नंबर 14, इसका नंबर 15। सादा नक्शा में आप सब लोग भर लेंगे, नहीं भर लेंगे, ब्लैंक मैप में आप इजी भर सकते हैं। कल सबके पास क्या रहना चाहिए, ब्लैंक, और अगर किसी के पास ब्लैंक मैप नहीं रहा तो बताइए उसके साथ क्या करना चाहिए, हाँ?
बॉक्सिंग। आगे बढ़े। सर मैं गीर से रहने वाली हूँ, गुजरात की हैं, गीर पर्वत के बाद यहाँ गीर राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे बढ़े। 16 नंबर कौन सा पर बताइए, ये पर्वत कौन सा हो गया? विंध्याच। कौन पर्वत? विंध्य। कौन सा पर्वत? विंध्य। विंध्याचल के नीचे सतपुड़। कौन पर्वत? सतपुड़। बताइए भारत को दो भागों में बांटता है सतपुड़ा। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा के बाद अजंत। सतपुड़ा के बाद नंबरिंग बोलेंगे आप लोग? नंबरिंग लिख देना सही है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा। नंबरिंग लिख दे। ये 15 है तो ये 16, ये 18। कोई दिक्कत है? पहाड़ों के लोकेशन याद रहेंगे। अगला पहाड़ बोलिए। कौन पर्वत बताइए? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से कितनी नदियां? कितनी नदियां? 3। आगे बढ़े। नंबरिंग देख लो बाबू, नंबरिंग कर रहा है सबकी, कुछ गड़बड़ लिख दिया, अपने हिसाब से नंबरिंग लिख लीजिएगा। मटेरियल में आप नाम देखिएगा, उसके पास जो नंबरिंग लिखा रहेगा नंबरिंग लिख दीजिएगा। मैकाल कितने नंबर है? 19। तो राजमहल 13। अगला नंबर कौन पहाड़ है? रामगढ़ पहाड़ी। झारखंड में कौन पहाड़ी है? रामगढ़। कितने नंबरिंग हो जाएगा? 20। रामगढ़ 20। रामगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी 20। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा नक्शा खोल के फिर भरने को बोलेंगे तो बना ही देंगे। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है? मानसून ठीक। नहीं, लड़की भी अब समझदार हो गई, सर पहले जमाने में नहीं पढ़ती थी सर। हम बोल बोल के बेटा इस सबको कितना हम बोले हैं, इसी जॉब को पता होगा। उतना कोई और बोला होगा जी? तो गलती करती है तभी ना बोलते हैं। उतना मम्मी पापा भी नहीं बोलते? मम्मी पापा नहीं बोलते तो इसका मतलब थोड़ी हम लोग नहीं बोलेंगे। बोलना जरूरी है, नहीं समझ आया? नहीं तो आप लोग को सुधरेंगे कैसे? सर हम 8 क्लास में पढ़ते, यार एक तो छोटका लड़का काज ने काहे पढ़ने लगता है सब। एक तो 7th क्लास का लड़का था और वो आया था कर, सर हमको ये सब तो पता है। वो छोटका लड़का सबको क्या समझ में आ रहा है? चलिए बोलिए ये पर्वत। कौन पर्वत? कौन पर्वत है ये? मीजो। बोलो तो ये कोटा वाला। बकुलवा नहीं आया? कौन सा है ये? कौन सा है ये? लड़की लोग बताएगी लो, इधर से बताओ। हाँ इधर वाला दलित लड़का बताएगा सब। क्या बोला था ये? विधि व्यवस्था बोल रहा।
कौन सा पर्वत है विंध्याचल? हाँ कौन पर्वत है? अजंता पर्वत। ये बोलिए रायसीना की पहाड़ कौन सा पर्वत हो गया? अरावली। कोई दिक्कत किसी को अरावली में? कौन पर्वत है? अरावली। हाँ कोई दिक्कत? अरावली। तब तो याद ही आप लोग को, छोड़ देता हूँ। ये बोलिए ये पूर्वी घाट कौन पर्वत है? पूर्वी। कौन सा ये? पश्चिमी। और दोनों मिल जाते हैं नीलगिरी, दोनों मिलेगा नीलगिरी पश्चिमी घाट। बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन सा पर्वत टूटा फूटा? हाँ नीला टोपी बताओ कौन सा टूटा फूटा? हाँ पूर्वी घाट और सीधा है, दोनों मिल जाता है मिलगिरी। दोनों मिल गया मिलगिरी। देखो लड़का कितना सीधा होता है, तुम नहीं समझे एकदम? लड़का सीधा नहीं होता है सब, इनको सीधा नहीं होता है सब। बताइए कौन सा हो गया? नीलगिरी। कौन सा हो गया? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेट, नीलगिरी की दोदाबेट। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का नीलगिरी का, और पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर। कलसू भाई है सबसे ऊंचा, कौन है? कलसू भाई। लेकिन ऑप्शन में कलसू भाई नहीं रहता तो क्या होगा? महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, नीलगिरी का दो दो, सतपुड़ा का धूपगढ़। बीचों बीच में रहेगा तो धूप लगेगा, तो सतपुड़ा भारत के एकदम कहाँ है? बीचों बीच में। तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़, मैकाल का अमरकंड, अरावली का गुरु शिखर, अरावली का नीला टी शर्ट खड़े हुई है। हाँ बस बट नीला पहना रहेगा था, ठीक है उठी खड़ा हो गया। आई बैल खड़ा हो तो तुम अभी तुम भी खड़े रहो ना, तुम भी खड़ा हो, तुम बैठ जाओ पीछे वाला। तुम्हारा कौन सी दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है तुमको? तब कोई काहे लिए हैंडीकैप वाले बैठे? हाँ तो वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, जब दिक्कत हो ना तो बताया करो कि हमको कोई दिक्कत है, हमको हैंडीकैप वाले बैठ जाने दीजिए। ऐसे तो भगा दिए तोरा वहाँ पे, कह रहा है कि हमको ऊपर हॉल नंबर एक में बैठा दीजिए। गधा है सब पूरा, यहाँ पे बैठो। बोला रहा था कि हमको हैंडीकैप वाले पे बैठना है, कोई दिक्कत है? हमसे कह रहा है नीचे हमको एक नंबर पे बैठा दीजिए, हम उसी में बैठते हैं। हम कहे कि एक नंबर हॉल में बैठना है तो टाइम से आओ पहले। कह रहा है कि उसी में बैठते हैं, हमको बैठाइए। तो बकलोल तुम वहां बोल दिया करो कि हमको, हम थोड़ा सा, हम ए इधर देख गधा, तुम बस बोल देना हमको हैंडीकैप वाले पे बैठते हैं, कोई बैठने दे देगा। नौटंकी मत किया, हम ही से कह रहा है कि देखिए हमको लिखित है हमारे पास। हमरे सामने तो लिखित दिखाएगा। अजय पागल हो तुम, सीधा कह दो कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखो जरूरी नहीं कि कोई हैंडीकैप रहे तो ही हैंडीकैप पे बैठेगा, कभी कभी किसी को कोई नॉर्मल सा चोट रह जाता है तो उसको भी तत्काल के तौर पे हैंडीकैप में डाल देता है। एक लड़का बेचारा पढ़ने आया था, उसका हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ था, किसी चीज़ का नॉर्मल हुआ होगा, तो हमको दिखा रहा है कि सर देखिए लिखा हुआ है। बकलोलवा हमरे कोचिंग में आके हमरे दिखा रहा है कि देखिए लिखा हुआ है। हैंडीकैप कौन, उस सबको हैंडीकैप वाला पे बैठने का उसको कोनो दिक्कत हो गया? ए कौन दिक्कत है तुमको? हाँ कोई भी दिक्कत हो अब बस उसको आराम से बोला करो, किसी भी चीज को बोलने का तरीका है ना जी। हमको आके दिखा रहा है कि हमारे पास बैठने का लाइसेंस है, हमरे को दिखा रहा था यहाँ।
आप बताओ हैंडीकैप में जितने लड़के बैठे हैं, आपको आज तक कुछ कागज वगैरह दिखाना पड़ा है? न एडमिशन स्लिप न कुछ भी, आराम से बोलते हैं बैठ जाते कि नहीं? देखो दलिद्दर लोग हैंडीकैप में नहीं आता है। देखो लाइव वाला ये दलिद्दर टाइप का दिख रहा है तो कह रहा है कि हम भी हैंडीकैप में बैठ गया, उस पर भगा दो उसको, दांते काट लो उसको। टकला है। बाल छिलाया है तो हैंडीकैप कह रहा है खुद को। ये सब मिस यूज करता है तो बताओ, बाल छिलाया तो हैंडीकैप वाले बैठ रहा है। चलो देखो यहाँ पर सब बहाना बनाता है, सब कम कचरा नहीं है सब यहाँ पर, और सब बैठा लेता है सब अगल बगल, मत बैठा करो लोग, जगह रहे तब एडजस्ट कर लिया करो, समझ में आ गया ही नहीं आ गया? चलिए ठीक है, जगह था तब टकला को बैठा लिया उसमें। तुम टकले पे ठीक लग रहा है, लेकिन ये कौन पर्वत है? नील। कौन पर्वत है? यार ये आंसर गुजराती भाषा में लिख के क्यों देते हो लोग? अब इसके नीचे बताइए अन्ना मलाई, बताइए अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी, मुड़ी ऊपर होता है, अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी, अनाई समझ में आ गया कि नहीं? और सबसे नीचे कार्डेम, सबसे नीचे कार्डेम, सबसे नीचे कार्डेम, सबसे नीचे कार्डेमम, कोई दिक्कत? सबसे नीचे कार्डेमम, इलायची या कार्डेमम की पड़े। भारत की दक्षिणी पर सबसे दक्षिणी पर्वत और सब दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी अनाई और सबसे दक्षिणी पर्वत सैडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार, सैडल पीक किस अंडमान पर? उत्तरी अंडमान, किस पर? उत्तरी। चलो तुम बताओ दलिदर, पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी आप पश्चिमी घाट का तुम बताओ, लाल शॉट ये, हाँ बैठे बैठे बताओ बाबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में, अरावली गुरु शिखर या माउंट आबू या गुरु शिखर, माउंट आबू या गुरु शिखर बताएंगे। अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी उल्टा पूछ दिए, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमर, सतपुड़ा की सबसे ऊंची, सतपुड़ा का गारो खासी जयंतिया का नौकरेक, गारो खासी जयंतिया का नौकरेक, मीजो पर्वत का नीला पर्वत, मीजो पर्वत का नीला पर्वत, नीलगिरी का अन्ना मलाई का अनाई, पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट का वह पर्वत जो एक के राज्य में अजंता, एक के राज्य में अजंता, पश्चिमी घाट का अजंता एक के राज्य में है, हाँ गिर, हाँ गिर भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा किसे? अजंता, गिर भी किस राज्य में? एक ही राज्य में, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किसे पूछेगा? अजंता, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा रहेगा, एक ही राज्य में कौन सा पर्वत है? ऑप्शन बी अजंता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजंता बताइए सैडल पीक किस राज्य में? सैडल पीक, नौकरेक किसकी ऊंची चोटी है? नौकरेक, धूपगढ़, अमरकंटक, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी, नौकरेक, दो दो बेटा, दो दो बेटा, नीलगिरी, अनाई मुड़ी, सैडल पीक, अंडमान निकोबार, माउंट आबू,
माउंट आबू, नीला शर्ट जो पहले खड़ा किए थे, खड़ा हो बताओ। कश्मीर के चार पहाड़ियां, हाँ, काराकोरम, लद्दाख, जैसलमेर, इसमें से बताइए इन चारों में सबसे ऊंचा कौन है? और काराकोरम में सबसे ऊंचा कौन है? हाँ बैठ जाओ। केटू, केटू भारत में है? केटू भारत में नहीं है, लेकिन भारत का है। भारत में नहीं है लेकिन भारत में है। आएगा आगे बढ़े। पर्वत समझ में आ गया? अब उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपसे पूछे, लाइए मटेरियल लाइए, हम क्वेश्चन पूछते हैं, धड़ाधड़ बताएंगे आप लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, हाँ केट, भारत में सबसे ऊंची कौन सा है? कंचनजंगा। अब सवाल बताते चलिए, भारत में से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में पर्वत, ये सोचाई तो ऑप्शन के हिसाब से बनाना पड़े, तो आप तो दक्षिण से उत्तर बता ही सकते हैं। बताइए सबसे नवीन पर्वत बताइए कौन सा है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनो, विंध्याचल, अरावली, अन्नामलाई, शिवालिक। शिवालिक हो जाएगा। क्यों शिवालिक होगा? क्योंकि वह हिमालय का हिस्सा, हिमालय का क्या है? हिस्सा, लघु हिमालय किसके मध्य है? ये आगे पढ़ने के बाद यहाँ बता पाएंगे लोग, समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि लघु हिमालय आगे पढ़ाना है। हिमालय पर्वत श्रेणी किस किस राज्य में नहीं, किस राज्य में नहीं है सुनिए, हिमालय किस राज्य में नहीं है? सुनो, उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किसका एक हिस्सा है? अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, हिमालय, किसका है? भारत की उत्तरी सीमा किस पर्वत द्वारा है? हिमालय। भारत में सबसे ऊंची भारत में कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है, तब कौन होगा? केटू। इनमें से कौन सा भारत में सर्वे सबसे ऊंची चोटी है? एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या नंगा पर्वत? भारत में सबसे ऊंचा कंचनजंगा। बताइए बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तराखंड ऑप्शन में है लेकिन कुमायूं हिमालय, क्या सही है? सही। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? केटू। कौन सी है? केटू। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम क्या है? केटू श्रेणी। अगला, सतलज और काली नदी निम्नलिखित में से किस हिमालय को प्रादेशिक विभाजन करती है? देखिए ये क्वेश्चन आगे का है, ठीक है, हिमालय का नहीं है, बट बसरते हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन पढ़ाएंगे ना, ये उसका क्वेश्चन है। आगे आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, जिसमें आपको हिमालय का ये क्या है, ये तो पर्वतों का है ना, कि हिमालय का क्वेश्चन होगा। एक के में मिला दिया है क्वेश्चन वह। कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में, ये तो बता देंगे आपको, धौलाधार और पीरपंज। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? सिक्किम में है, कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री का दूसरा नाम कोंकण। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी, वही है अना मुडी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहां पर मिल जाते हैं? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा पहाड़ है? कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम पहाड़ियां किस राज्य में है? किसमें है? केरल। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में? भारत एवं म्यांमार का सीमा बनाती है कौन सा? पटकोइब। ऑप्शन सुनिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, अन्नामलाई नीचे है, कार्डेमम नीचे है, पटकोई बूम सही हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार किसका नाम है? झारखंड। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किसका हिस्सा है? राजमहल। किसका हिस्सा है? राजमहल। तो छोटा नागपुर का पठार किसे कहते हैं? झारखंड। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। धूपगढ़ किसका हिस्सा है?
केटू के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माता। उत्तर भारत में हिमालयी क्षेत्र में लगे दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। देखिए ये वाला क्षेत्र पहाड़ के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। तो ये उत्तर भारत का एरिया है और जो नीचे से लगता है वो क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताइए, सबसे पूर्वी चोटी हिमालय। देखिए भाव ये क्वेश्चन सुन, साउंड बढ़ा दें, सुनिए। ये जो है ना माउंट एवरेस्ट वाला, ये क्वेश्चन हिमालय का है और अभी आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे? हिमालय बताएंगे। आवाज बढ़ा दो जी, गाना बज रहा है तो तुम गाना पे ही ध्यान दो। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है ना वो हिमालय का भी साथ में दे दिया, ठीक है। तो अभी हिमालय पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम पूरा ग्राउंड फिगर में आपको क्या पढ़ाए? पर्वत। अभी आगे जस्ट इसके बाद दर्रा है, दर्रा के बाद क्या होगा? हिमालय होगा। मानसून है, भौगोलिक विभाजन, ये रहा आपका हिमालय पेज नंबर 51 पे। तब वहां वाला भी क्वेश्चन क्या दे दिया? यही दे दिया है। इस वजह से कुछ कुछ हिमालय का क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा आपको। भारत में कौन सा पर्वत एक ही राज्य में है बताइए? अजंता। कार्डेमम की पहाड़ियां किन दो राज्यों पर? हाँ, केरल और तमिलनाडु। सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में? धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? हाँ, अगला कौन सा जगह है? दर्रा। अगला टॉपिक क्या है? दर्रा। ये बताएंगे आप लोग, इसको बना के लाएंगे क्वेश्चन। अगला टॉपिक क्या है? दर्रा। दर्रा पढ़ा देते हैं, अब दर्रा कल ही पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग ब्लैंक मैप लेके आइएगा।